हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। हम देखेंगे कि जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसी भी डिसीज़ या डायग्नोसिस को लेके, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो साइंस देखते हैं, जैसे हेडेक होना, इन्फ्लामेशन होना, रेडनेस, ये सब क्यों होते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे इन्फ्लामेशन, सेकेंड वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिसेपनिया, कोमा, हाइपोथर्मिया, शॉक, फीवर, इनकॉन्टिनेंस, एडिमा एंड गैंग्रीन। तो हम आज इतने सब साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे, जिसमें से हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखें तो इन्फ्लामेशन इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी, ऑफन इंजरी कॉज बाय द इन्वेडिंग पैथोजन। जो इन्फ्लामेशन है वो किसके रिस्पॉन्स से होता है, टिश्यू के इंजरी होने के बाद में होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी अगर पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उसके कारण हमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। देन फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक के इन्फ्लामेशन में हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जाएगा स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब जिस भी प्लेस में हमें इन्फ्लामेशन मिलेगा उस प्लेस में हमें क्या मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें क्या, बढ़ा हुआ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द सराउंडिंग टिश्यू, जो सराउंडिंग टिश्यू है जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन हुआ है उसके जो आसपास के टिश्यू है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लड फ्लो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। उस प्लेस पे हमें रेडनेस दिखने को मिलेगी और पेन फील होगा। अगर हम उसको पालपेट करके देखें तो हमें पेन फील होगा। फिर हम देखते हैं इसके कॉजेज कि किस किस कारण से हमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। हीट एंड कोल्ड, हीट किसी भी, अगर हम हीट वाले प्लेस में एक्सपोजर हुई है हमारी बॉडी या फिर कोल्ड में हुई है तो हमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। देन केमिकल इरिटेंट, केमिकल के कारण भी हमें हो सकता है इन्फेक्शन बाय पैथोजन, पैथोजन के द्वारा इन्फेक्शन हुआ या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उस कारण भी हमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण हो सकता है। अगर हमें फिजिकल इंजरी हुई है, चोट लगी हुई है, उसके कारण भी हमें क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। किसी भी टॉक्सिन्स के द्वारा भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। देन एक्सरे के कारण भी हमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर फ्रॉस्ट बाइट, फॉरेन बॉडी के कारण हो सकता है, अगर बर्न हुआ है तो उसके कारण हो सकता है, रेडिएशन के कारण हो सकता है, या फिर ट्रॉमा के कारण हो सकता है, या फिर अल्कोहल के कारण हो सकता है। अल्कोहल के कारण कैसे, वो लीवर को डैमेज करेगा तो क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। देन फिर हम इसके क्या देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ये लास्ट में ITIS, आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जैसे साइनसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, ओटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर, पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, रिनाइटिस एंड मैनेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मैनेंजस लेयर। देन अकॉर्डिंग टू ऑनसेट देयर इज़ डिवाइडेड इंटू टू। अगर हम इसकी ऑनसेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट एंड सेकेंड होता है क्रॉनिक। फर्स्ट एक्यूट में क्या होगा, रैपिड ऑनसेट एंड ड्यू टू पैथोजन एंड द फिजिकल इंजरी। तो इनमें हमें इन्फ्लामेशन इसमें कैसे होगा, रैपिड ऑनसेट होगा, मतलब किसी भी पैथोजन ने हमारी बॉडी में अगर एंटर किया है तो उसके कारण हमें इन्फ्लामेशन हो सकती है। फिर फिजिकल इंजरी हुई है, किसी भी चीज़ से हमें चोट लगी हुई है फिजिकली, तो उसके द्वारा भी हमें क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। देन क्रॉनिक क्या होता है, स्लोली ऑनसेट ड्यू टू द ऑटो इम्यून रिएक्शन। देन हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, रेडनेस होते हैं, जिस प्लेस में इन्फ्लामेशन हो गई वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी। हीट मिलेगी मतलब इंक्रीज उस प्लेस का हमें जो टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। लॉस एंड फंक्शन, वो प्रॉपर तरीके से फिजियोलॉजिकल फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस प्लेस में। हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, देन हमें पेन देखने को मिलेगा। फिर है अदर सिम्टम्स, और भी हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस देखने को मिलेगी, फीवर देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा एंड रेस्टलेसनेस, फटीक रहेगा। देन हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि कोई भी इन्फेक्शन क्या कर रहा था, पैथोजन के इन्वेडिंग होने से या एंटर होने से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा था, तो ये क्या आ जाएगा, ड्यू टू एनी कॉजेस। देन कॉज के एंटर होने के बाद में क्या, मास्ट सेल एक्टिवेट्स। जब हम कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारी मास्ट सेल है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती हैं। देन मास्ट सेल के एक्टिवेशन होने के बाद में क्या होता है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सच एज हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ल्यूको
राइस इन द प्रोस्टाग्लैंडिन। जब मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। देन एक्टिव होने के बाद में मास्ट सेल क्या करती है, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ये सब क्या होते हैं हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, ताकि हम जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर किया उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ। देन रिकॉग्नाइज करने के बाद में हमारे WBCs काउंट बढ़ जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, उसको किल करने की कोशिश करते हैं। जिससे अगर जब वो WBC काउंट बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में पैथोजन को किल करने के लिए, तो उस टाइम हमें क्या फ़ीवर होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज होने के बाद में क्या क्या होता है, फीवर, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमें क्या होता है, फ़ीवर होता है। देन उस प्लेस में हमें क्या होता है, पेन होता है, और फिर क्या, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी मतलब ब्लड फ्लो कैसा होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा। देन इसके बाद में क्या होगा, जब इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा उस प्लेस में, तो हमें क्या, एडिमा देखने को मिलेगा एंड देन रेडनेस देखने को मिलेगी। अब हम इसके मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके मैनेजमेंट के हमें इसके मैनेजमेंट के लिए क्या देना है, NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हमें देनी है, जिसके एग्जांपल है न्यूमोसिलाइड्स हम दे सकते हैं, पैरासीटामोल भी NSAID ड्रग होती है, देन इबुप्रोफेन हम दे सकते हैं। अब सेकंड हम इसके मैनेजमेंट के लिए क्या दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट दे सकते हैं, मतलब जो इन्फ्लामेशन को कम करें, एंटी मतलब अगेंस्ट किसके, इन्फ्लामेशन के, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट दे सकते हैं, जिसमें हम एग्जांपल के लिए क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या कहते हैं, डेक्सामेथासोन हो सकता है या फिर प्रेडनिसोलोन हो सकता है। देन थर्ड क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे सकते हैं हम, एंटी हिस्टामिन ड्रग दे सकते हैं, जिसमें लीवोसिट्राजिन दे सकते हैं या फिर हाइड्रोक्लोराइड्स दे सकते हैं। देन हम मेडिसिन के अलावा भी कुछ जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे टू रिड्यूस द एडिमा वी शुड प्रोवाइड, हमें जो एडिमा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या जनरलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए एक आइस, एक कोट है, जिसमें हम देख, फर्स्ट आएगा हमारा रेस्ट। रेस्ट क्या करना है, पेशेंट को हमें रेस्ट प्रोवाइड करना है। देन आइस एप्लीकेशन, अगर हम देखें कि हमारे इस प्लेस में क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, देन इस प्लेस में हमें क्या करना है, आइस से हमें एप्लीकेशन करना है, मतलब उसमें आइस ट्रीटमेंट करना है। देन फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, सी मीन्स क्या है, कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, जो जिस ऑर्गन पे हमें हुआ है उसको क्या करना है, कंप्रेस करके रखना है। देन ई मतलब एलिवेशन, एलिवेशन। देन जैसे हमने बताया था कि इस इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा है, एडिमा भी होता है, क्योंकि जो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम वहाँ का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे हमें क्या, एडिमा देखने को मिलता है। तो एडिमा को हमें रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि अगर उसके पैर में है या फिर हैंड में है, तो उसको क्या करके रखे, एलिवेट करके रखे, ऊपर उठा के रखे। एनकरेज द पेशेंट फॉर टेकिंग द प्लांटी ऑफ फ्लूइड, और पेशेंट को कहना है कि वो अपने वो प्लांटी ऑफ फ्लूइड ले, मतलब जितना हो सके उतने से ज़्यादा प्लांटी ऑफ फ्लूइड ले। फ्लूइड भी हम वाटर में ले सकते हैं या फिर फ्रूट जूस ले सकते हैं। थैंक यू क्लास, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।